तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था। अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा। बोचहा में हार के बाद भाजपा के अंदर आत्ममंथन शुरू हो गया है। वहीं अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मसले पर सवाल लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बोचहा में भाजपा की हार को लेकर जो ठीक रहा है वो भाजपा पर फूटेगा। पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और एनडीए गठबंधन दल के भी मुखिया हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कन्नी काट लिया है। आज मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं के सामने ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये तो हमारे सहयोगी दल भाजपा के लोग जानेंगे, हम इसमें काफी इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने मेहनत किया, जनता ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन ये हार क्यों हुई है इस पर भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। इसको लेकर हमसे जब बातचीत होगी तो इस पर हम आपको बताएंगे। विशेष रूप से इस मुद्दे पर हमारी बातचीत भी नहीं हुई है। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान, जिसमें उन्होंने बोचहा में चुनावी हार के बाद क्या कुछ अपनी बातों को रखा है। कुछ बात हो, इसके पहले दो बाई इलेक्शन हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज है। और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग तो गए नहीं थे, अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए तो सब लोग प्रचार किए ही थे, लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो उसके लिए इसके लिए ज़्यादा मत करिए। बंगाली बाबू के रूप में कितना सफल रहेंगे, तो क्या चीज करेंगे बंगाली बाबू क्या? अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा है। क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आप लोग बुलंद रहिए। देखिए ये सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, और जो बिहार को जरूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का जो स्टेटमेंट आता है तो लगता है कि इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ना, कौन क्या स्टेटमेंट देता है, तो हम लोग तो जितना बिहार के लिए करते रहते हैं तो आप लोगों को पता ही न है। मांग भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं, और पूरा ध्यान भी देते हैं, तो लगे रहते हैं। तो इस सब पर ज़्यादा मत चिंता करिए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आग्रह करेंगे सब लोगों सबसे से कि ज़रा लोगों को अलर्ट करिएगा। ये चौथा बार फिर आने का झंझट है, तो ज़रा सब लोगों को अलर्ट आप लोग भी करवाइए। आज जिस तरह का मौसम हो गया है ना, इस मौसम में भी सब लोगों को ज़रा सा अभी महीना दो महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए आप लोग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।